देश में भले ही तीन तलाक की वारदात को रोकने के लिए कानून बन गया हो, लेकिन तीन तलाक के मामले अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। जहां तीन तलाक का एक मामला फिर से सामने आया है, जहां एक महिला को 14 साल बाद उसके पति ने तीन तलाक दे दिया है। यही नहीं, पीड़िता ने अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप भी लगाया है और साथ ही अपने आरोपी पति पर मारपीट और गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया है। ये थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का एक मैटर आया हुआ था, जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया था तीन तलाक के संबंध में और दहेज के संबंध में। तो इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी से बात करके उनको जांच करके इसमें सही कार्रवाई, अगर दोषी हैं तो मुकदमा कायम करके आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सर कब शादी हुई थी कुछ बताया इसने, क्या करीब 14 वर्ष बता रही है, 14 वर्ष हुआ था। क्यों तलाक दिया गया, कुछ बताया? इनकी जाँच की जा रही है, जो भी सही होगा किया जाएगा। इंस्पेक्टर थैंक यू। मेरठ के किठोर थाने में एक युवक को थर्ड डिग्री देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दरोगा ने युवक को बेरहमी से पीटा, जिसमें उसके दोनों पैर में गंभीर चोटें आई हैं। इसको लेकर परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस अधिकारियों से इसकी शिकायत करने की बात कही गई है। वहीं पीड़ित युवक की हालत बिगड़ने पर उसे मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किठोर थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आ रहा है, जिसमें थर्ड डिग्री देने की बात कही गई है। कल थाना किठोर के कुछ विजुअल्स और कुछ व्हाट्सएप मैसेज आप लोग की तरफ से ही जनपद मेरठ पुलिस के संज्ञान में आए हैं, जिसमें कि एक महिला द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि थाना किठोर पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर द्वारा उनके बेटे को थर्ड डिग्री दी गई है। इसमें अभी हमारे पास कोई रिटन एप्लीकेशन नहीं आई है, थाना किठोर पर हो सकता है आई हो, ऐसा आप लोग ही बता रहे हैं कि वो पार्टी अभी यहाँ आ रही है। तो जैसे ही उनकी एप्लीकेशन आती है या जैसे ही ये मामला संज्ञान में आता है, संज्ञान में आ ही चुका है, उसकी जाँच भी हो रही है, लेकिन उनकी एप्लीकेशन आने के बाद उसको पूरी तरीके से उसकी फॉर्मल जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हैवी हैंडेडनेस किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद जालौन के महोबा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम खला में गौशाला व सड़कों के निर्माण पर सरकार द्वारा आया हुआ पैसा ग्राम प्रधान द्वारा डकार लिया गया, जिसके चलते गांव की गायें गौशाला के बजाय खेतों में घुसकर फसल बर्बाद कर देती हैं और गांव की सड़कें ऐसी ही पड़ी हैं जिसमें निकलने से पहले गांव के लोगों को सोचना पड़ता है। वहीं ग्राम प्रधान पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के 20,000 रुपये लेकर देने की बात झुठलाती हुई साबित हुई है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा शिवकांत नाम है सर। क्या मामला है यहाँ पर? यहाँ हमारा रहने के लिए जगह ये ऐसी डरी है, हमारे 5 बच्चे हैं जो कुछ 10-20 हज़ार रुपया देते जी के कॉलोनी मिल जाए, हमें साहब कॉलोनी नहीं मिला। कौन मांगता है रुपया? प्रधान मांगा तो को मांगा। कितने रुपए मांग रहे हैं? 20,000। क्या कह रहे थे? 20,000 दे दो तो मिल जाए। हमें था नहीं मिलेगी ना। आपने फिर क्या कहा? हमारे पास है ही नहीं है। शिकायत की आपने ऊपर? आप कहाँ शिकायत करें साहब, हम बहुत परेशान है, मकान है नहीं है, रहने के लाने हैं। प्रधान जी यहाँ आते हैं? खूब आते हैं भैया। ये यहाँ पर जो खल्ला गांव में गौशाला को लेकर जो मामला है और रोडों को लेकर मामला है, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि यहाँ गौशाला के लिए जो 9 लाख रुपए लगभग पास हुआ था, तो उसमें का नाम करके इन्होंने सीमेंटेड वाले खम्मा लगवा दिए, उसमें तार इतना नीचा है कि जानवर निकल के यहाँ जो जमीन पड़ती है हमारी वो सारी गायें खा जाएंगी। इसके बाद ना तो गौशाले में कोई पानी की सुविधा है, ना तो उसके भूसा रखने के लिए कोई सुविधा की गई है। ऐसे ऊंचे 20,000 रुपया खर्च करो, जो कुछ पूछिए वही बोलिए। क्या मामला है आपके कॉलोनी का? रहने को जगह नहीं है तो पैसा नहीं है जो बनवाए लेवे। अच्छा, आपसे 20,000 रुपया दे तो कॉलोनी देवे। तो प्रधान जी 20,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं, आपने क्या कहा? हमारे पास है ही नहीं है। कौन गांव है ये? ग्राम खल्ला। जी क्या मामला है ये गौशाला का? यहाँ गौशाला का मामला क्या है सर, यहाँ तो ऐसे ऐसे बना दिया है कि पूछो मत, ये तो ना बनाता बनता वो ठीक था बिल्कुल। यहाँ खम्बे हिलते हैं बिल्कुल, मतलब ऐसे रख दो कि खम्बा गिर गया। अच्छा, आपने प्रधान जी से बात की कि नहीं की? प्रधान जी से बात करी, प्रधान जी बोले ऐसे ही बन रहे सब जगह, ऐसे ही बनेंगे। ऊपर अधिकारियों से शिकायत की? अभी किसी से नहीं करी, अब करने जा रहे हैं। थाना सीबीगंज क्षेत्र के गांव तिलियापुर में प्राथमिक विद्यालय में खाना बनाते हुए सिलेंडर में आग लग गई, जिसमें खाना बनाने वाली रसोई और 2 अध्यापक सहित 4 बच्चे आग के चपेट में आ गए। तिलियापुर के गांव वासियों ने पानी भरकर आग को बुझाया। चपेट में आए 2 अध्यापक और 4 बच्चों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। जिलाधिकारी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इसकी जाँच की जाएगी।
बोलिए सर। मैं फायर अफसर परसा खेड़ा, जैसे ही तिलियापुर में आग की सूचना मिली, आके देखा तो ये आग पहले से काफ़ी पहले लगा आग कहाँ लगी हुई थी सर? ये सिर्फ रसोई में जहाँ पे सिलेंडर रखा था, सिलेंडर के बराबर में चूल्हा जला रखा था, वो गलत था, बहुत कंजेस्टेड जगह है और इतनी कंजेस्टेड जगह थी कि वहाँ पर तो है चूल्हे अंदर आदमी घुस नहीं पा रहा था, निकल इतनी गर्मी हो रही थी और आग लगने की सूचना इन्होंने बहुत देर से दी, पहले भी दिया नहीं, आने के लिए यहाँ कोई गाड़ी का रास्ता नहीं था। जैसे ही हम यहाँ पे आए, आने के बाद देखा तो बताया गया कि कोई बच्चे नहीं जले, बाद में पता चला कि बच्चे भी जले, देखा गया हम लोग वापस फिर लौट के फारिश द्वारा आए, बताया गया बच्चे चोटे लिए उनको हॉस्पिटल भी नहीं ले जाया गया, नहीं हॉस्पिटल जिनको विरोध है, नहीं कुछ बच्चे रह गए हैं जो विरोध कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, छोटा मोटा कोई होता। चावल बन रहे थे, आप भी चल गई हो, आप यहाँ रसोई आओ, नूरुद्दीन क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ आप ही बताओ कुछ। सिलेंडर आया जिस सुबह तो उसका अच्छा लीक हुआ चूल्हे के पास, वहाँ से आगे कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? एक टीचर हुए, एक मैडम, एक टीचर, एक मैडम और एक रसोईया और बच्चे कितने हैं? तीन बच्चे। बच्चों का भेजा गया है हॉस्पिटल। क्या नाम है बच्चों का? बच्चों का नाम बताओ, नाम बता दे क्या है? एक का नाम होली है, होली मुस्कान और माहिरा, होली मुस्कान माहिरा, तीनों लड़की हैं, गले वले से सब कान वगैरह उनके जले हुए हैं बहुत, और एक की तो थोड़ी सब जल हुई है उसके इधर से खून पलियों वगैरह, हाँ तो सब जल रखे बच्चों का, तकलीफ है बच्चों को लेके, इसीलिए भेजा गया। प्रेरणा ऐप के विरोध में आगरा जिला मुख्यालय पर शिक्षक संघ और सैकड़ों शिक्षकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि जो प्रेरणा ऐप लागू हो रही है वो बिल्कुल गलत है और इससे महिला शिक्षकों की निजता का हनन होगा। तो हमारा ऑब्जेक्शन तो ये है कि हम लोग के यहाँ विद्यालय है, स्कूल में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कैट के थ्रू दी जा रही है, हम उनको कैसे पूरा करें? तो सहयोग के लिए प्रॉपर स्टाफ और क्लास के लिए होना चाहिए पहले तो।